नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। देश में बढ़ती महंगाई व बिहार में बढ़ते अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा राजद सिवान ने एक दिवसीय धरना दिया। राजद कार्यकर्ताओं ने संग्रहालय के दक्षिण गेट पर धरना दिया और प्रदेश की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों व गरीब विरोधी कार्यों का निंदा किया। सरकार के समस्याएं को लेकर उनके खिलाफ हम धरना पर यहाँ बैठे हैं। आप देखते जा रहे हैं कि हर दिन बेरोजगारों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अपराध की समस्या चरम पर है, बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मूक दर्शक बनकर इस समस्या को देख रहे हैं। हमारी समस्या दिन पर दिन दिन दुना रात चौगुना बढ़ती जा रही है और किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, चाहे वो डीजल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो या रसोई गैस का दाम हो, जो भी खाद्य पदार्थ है उनका दाम आसमान छू रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपने मग्न में है। वो सिर्फ अपने सत्ता बचाने के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, हम बिहार में आज जो भी परीक्षाएं हो रही है, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हो, चाहे कंपटीशन की परीक्षाएं हो, हर परीक्षा में लेट लिटिफी तो अलग है, पेपर लीक हो जाता है, कहीं कंपटीशन में लोगों का सीट पहले ही बुक हो जाता है, चाहे दरोगा हो या सिपाही का हो या किसी भी कर्मचारी का हो। आप देखिए वर्तमान समय की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से आम जनमानस के जीवन शैली को कठिन और दुरूह बनाते जा रही है दिन प्रतिदिन। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें जो हैं अब चरम पे पहुंच रही हैं। एक तरफ देखिए महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और दूसरी तरफ जो है बेरोजगारी का आलम भी बढ़ते जा रहा है। जो लोग रोजगार में हैं उनकी भी स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ तमाम है हमारे ऐसे युवा साथी बैठे हैं जो कि विगत कई वर्षों से सरकार द्वारा ही जो है वो अनुबंध पे काम कर रहे थे और आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि आज उन्हें रोड पे आके जो है और खड़ा होना पड़ रहा है, नारेबाजी करने पड़ रही है और अपने ही अधिकार के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है और आज कहती है कि नहीं आप अब हम आपको जो है बेल्ट्रॉन के तहत देने जा रहे हैं। तो ये एक आम मतलब ये आपके सामने जो है एक प्रस्तुति है, ये सामने उदाहरण है। इसके अलावे अन्य जितने भी सरकारी महकमे हैं उनमें आप देखिए कि ज्यादातर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हो रही है और किसान भी त्रस्त है। किसानों को जो है तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आज खेती करना बहुत महंगा हो गया, डीजल के महंगा होने के चलते, पेट्रोल के महंगा होने के चलते हर एक किराना की वस्तुएं महंगी हो गई हैं। तो ऐसी हालत में आम जनमानस जो है त्राहिमाम कर रहा है और इसी मुद्दा को लेकर हम सभी युवा एक साथ आवाज मिलकर उठा रहे हैं कि सरकार जो सोई हुई है वो अपनी तंद्रा से जागे, वो जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ जनता ने सरकार का चयन किया है उस हेतु काम करे, उसके लिए काम करे, उनके सुख सुविधा के लिए काम करे। गब्बर जी, आज किस लिए एक दिवसीय धरना दे रहे हैं? देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगार और शराबबंदी जो फेल है उसके विरोध में युवा राजद ने पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पर धरना का आयोजन का कार्यक्रम लगाया है। उसी तरह से सिवान में उज्ज्वल जी और विक्रांत जी के नेतृत्व में युवा राजद के यहाँ धरना, एक दिवसीय धरना हो रहा है, उसमें मैं आया हूँ। और बिहार सरकार की जो नाकामी है और केंद्र सरकार की जो नाकामी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, निजीकरण हो रहा है, इसके विरोध में ये धरना चल रहा है।
तो मेरा उद्देश्य यही है और सरकार से ये मांग है कि जो भी बिहार में युवा बेरोजगार हैं, आज बीएड करके डिग्री ले लेकर के जो घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिया जाए। जिस तरह से चुनाव में सरकार ने वादा किया था कि 19 लाख मेरी सरकार बनती है तो 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, अब सरकार को बने हुए 6 महीना के करीब जा रहा है, एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला और आए दिन अपराध बढ़ रहा है और लूट खसोट बैंक डकैती ये सब बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है। इसके विरोध हम सरकार का ये ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहिए। इस धरना के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये अपने बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, महंगाई और आपको किसानों की समस्या, जो दिन पर दिन जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इससे आम आदमी को, आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। आज के युवा जो ऐसे भटक रहे हैं, नशा के क्षेत्रों में जा रहे हैं और रोजगार नहीं होने के कारण गलत अपराध बढ़ रहा है, अपराध कर रहे हैं। ये हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे सारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार दिया जाए, महंगाई में उसको कम किया जाए, किसानों की समस्या को सुना जाए। इसी को लेके हम लोग आज एक दिवसीय धरना पे। अपना परिचय दीजिए। उज्ज्वल गिरी नगर अध्यक्ष।